हेलो एवरीवन। तो आज हमारा टॉपिक जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन का बहुत ही बेसिक इंट्रोडक्शन आपको इस लेक्चर में मिलेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। ट्रांसक्रिप्शन, एज यू नो, ट्रांसक्रिप्शन इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग आरएनए फ्रॉम डीएनए। तो आरएनए की कॉपीज बनाना डीएनए से, या डीएनए की सीक्वेंस पे बेस्ड आरएनए बनना, जो आरएनए बनेगा वो डीएनए से कॉम्प्लीमेंट्री होगा, उस प्रोसेस को हम बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन। अब ट्रांसक्रिप्शन क्यों इंपॉर्टेंट है? ट्रांसक्रिप्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन पहला स्टेप है जिसकी मदद से डीएनए के ऊपर जो कोडेड इन्फॉर्मेशन होती है वो इन्फॉर्मेशन एमआरएनए की फॉर्म में आगे ले जाती है टू राइबोसोम्स फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। तो डीएनए के अंदर जो भी इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन आगे जाएगी, प्रोटीन तभी बनेंगे जब बीच में आरएनए बनेगा, तो एमआरएनए बनेगा, तो उस प्रोसेस को आप कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। सो लिटरली आप देखिए, यहाँ पे हम स्टेप्स की बात करें तो ब्रॉडली तीन स्टेप्स हैं ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में। पहला स्टेप है ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन, मतलब स्टार्ट होना ट्रांसक्रिप्शन का, देन इलोंगेशन और देन टर्मिनेशन। तो स्टार्ट, उसके बाद इलोंगेशन मीन्स पॉलीमराइजेशन, एंड थर्ड इज टर्मिनेशन की प्रोसेस स्टॉप हो जाएगी। अब बड़ा क्योंकि हमने लास्ट कुछ पिछले एक दो लेक्चर में डिस्कस किया था कि जीन कैसा दिखता है। अगर हम एक टिपिकल जीन की बात करते हैं तो आप ये देखिए सीक्वेंस, अगर हम जीन का स्ट्रक्चर देखें यहाँ पे, तो अगर ये डीएनए है, डीएनए का ये पोर्शन जीन कहलाएगा अगर, तो इसके पास क्या क्या होना चाहिए? इसके पास कुछ रेगुलेटरी सीक्वेंसेस होनी चाहिए जिसमें प्रमोटर इंपॉर्टेंट है, उसके बाद एनहांसर्स या साइलेंसर्स होंगे। प्रमोटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रमोटर के बाद एक कोडिंग सीक्वेंस है आपकी, कोडिंग रीजन है या ओपन रीडिंग फ्रेम है, ये वो पोर्शन है जो एक्चुअली प्रोटीन का जो सीक्वेंस है उसको गवर्न करेगा। और इसके बाद लास्ट में आप देखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये टर्मिनेटर है, क्योंकि एक बार यहां से जब प्रोसेस स्टार्ट हुई तो उसको रुकना कहां पे जाके है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको रोकने के लिए एक टर्मिनेशन फैक्टर, एक टर्मिनेटर वहां पे होना बड़ा जरूरी है उस सीक्वेंस के बाद। तो एक टिपिकल जीन जो होता है वो स्टार्ट होता है मतलब उसमें जो बेसिक चीज है वो प्रमोटर है फॉर इनिशिएशन, देन देयर इज दिस कोडिंग रीजन और द ओआरएफ जिसको देख के इससे कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए बनेगा, और फिर आरएनए कहाँ रुकेगा, आरएनए जो आपका एंजाइम है आरएनए पॉलीमरेज कहाँ रुकेगा जाके, वो गवर्न होगा इस टर्मिनेटर की मदद से। तो ओवरऑल हम देखेंगे प्रमोटर इंपॉर्टेंट है इनिशिएशन के लिए, ये कोडिंग रीजन जो आपका है दैट इज इलोंगेटेड, और फाइनली टर्मिनेशन जो है वो गवर्न करता है टर्मिनेशन की प्रोसेस को। आगे चलेंगे, एक एक प्रोसेस को ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो पहला स्टेप आपका जो ट्रांसक्रिप्शन में है वो इनिशिएशन है। अब इनिशिएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज ये स्टेप है जिसके लिए आपको सबसे पहले ये डीएनए जो आपका डबल स्ट्रैंडेड रहता है इसको कुछ एरिया में ओपन होना पड़ता है, इस डीएनए हेलिक्स को अनवाइंड होना पड़ता है, थोड़ी थोड़ी से रीजन के अंदर कुछ रीजन डीएनए का खुलेगा जो जहां से आरएनए बनना होगा। जब वो रीजन खुलेगा, जब वो रीजन थोड़ा सा आरएनए पॉलीमरेज, ये एंजाइम है इसके लिए एक्सेसिबल होगा, तब आरएनए पॉलीमरेज जाके बैठ सकता है इसके प्रमोटर साइट के ऊपर। मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि प्रमोटर साइट जो है वो आरएनए पॉलीमरेज बाइंडिंग साइट होती है, उस साइट के ऊपर जाके आरएनए बाइंड करता है। तो वंस आरएनए हैज बाउंड टू दिस प्रमोटर रीजन, उसके बाद आपका आरएनए बनने की जो प्रोसेस है वो आगे चल सकती है। सो जब आरएनए बनने की प्रोसेस आगे चल रही है तो वो तब तक चलती रहेगी जब तक वो पॉलीमरेज ये जो चल रहा है ये अपना काम करेगा, पहले बाइंडिंग या इसका डीएनए का खुलना और बाइंडिंग, ये प्रोसेस कहलाएगी इनिशिएशन। उसके बाद ये इसके ऊपर चलेगा, जैसे जैसे चलते जाएगा डीएनए अनवाइंड होता जाएगा, और इवेंचुअली यहां पे दिस इज लेबल्ड एज टर्मिनेशन साइट, यहां तक इसको चलना है। तो इनिशिएशन में क्या होगा, डीएनए अनवाइंड होगा थोड़ा सा, और आरएनए पॉलीमरेज जो है आपका जाके प्रमोटर रीजन पे बाइंड करेगा। दिस इज द फर्स्ट स्टेप, दैट इज द इनिशिएशन स्टेप। ओके, अच्छा इंपॉर्टेंट चीज एक बड़ी है इसमें, व्हेन यू कंपेयर इट विद रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन का मतलब होता है डीएनए से डीएनए का बनना, जब डीएनए अपनी खुद की कॉपीज बनाए, ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए से आरएनए का बनना। तो दोनों प्रोसेसेस डिफरेंट हैं, उसमें और भी कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं, जैसे रेप्लिकेशन में आरएनए प्राइमर्स की जरूरत होती है, जो डीएनए पॉलीमरेज होता है जो रेप्लिकेशन में काम करता है वो खुद से काम नहीं कर सकता, उसको प्राइमर्स चाहिए होते हैं,
लेकिन आरएनए पॉलीमरेज को ऐसा कुछ नहीं चाहिए, इट कैन वर्क ऑन इट्स ओन, सिर्फ इसको अनबाउंड डीएनए चाहिए जो हेलिक्स जहां पे डिसरप्ट होगा, जहां पे जाके ये प्रमोटर से बाइंड कर सकेगा फॉर इनिशिएटिंग द प्रोसेस। नंबर टू स्टेप की बात करेंगे, इलोंगेशन। इलोंगेशन एक बार बाइंडिंग आरएनए जब बाइंड करना शुरू कर दिया, उसके बाद आरएनए पॉलीमरेज डीएनए की सीक्वेंस को पढ़ता जाएगा और उसके रिस्पॉन्स में एक आरएनए फ्रेगमेंट बनाता चला जाएगा। जैसे जैसे आरएनए फ्रेगमेंट बनती चली जाएगी, ये आरएनए पॉलीमरेज आगे चलता जाएगा और पीछे वाला डीएनए जो खुला था वो वापस बंद होता जाएगा। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा स्टेप है ये। पहले इस पोर्शन में डीएनए खुला था, आरएनए पॉलीमरेज यहां बाइंड किया, जैसे ही आगे चलना शुरू हुआ, जैसे ही इसने डीएनए की सीक्वेंस पढ़ना शुरू की, इसने उसके रिस्पॉन्स में आरएनए बनाना शुरू कर दिया। आरएनए बनना शुरू हुआ उसके बाद ये आगे स्लाइड करता जाएगा और इसके स्लाइड करने के साथ साथ जो पीछे वाली जो डीएनए फ्रैगमेंट थी जो खुली थी वो वापस जो है दोबारा से जो है वाइंडिंग उनमें स्टार्ट हो जाएगी। सो एज इट कीप्स ऑन मूविंग, इट कीप्स ऑन एडिंग दीज आरएनटीपीज। आरएनटीपीज मींस राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स। ये ट्राइफॉस्फेट्स जो हैं ये ऐड होते जाएंगे, सिंगल सिंगल जो है चेन की फॉर्म बनती जाएगी, आरएनए आपका बनता जाएगा। ये आरएनए पॉलीमरेज ये मूव करता है फ्रॉम 3-2 जो है, सॉरी डीएनए को आपका रीड करेगा 3-2 5-, जो नया सीक्वेंस यहां बनेगा, जो नया स्ट्रैंड बनेगा उसकी डायरेक्शन 5-2 3- ही होगी। ओके, सो इट विल कीप मूविंग ऑन, इट विल कीप अनवाइंडिंग न्यू एरियाज ऑफ द डीएनए, इट विल कीप एडिंग दीज आरएनटीपीज, नाउ इट विल मूव ऑन, इट विल कीप मेकिंग ऑन न्यू जो है कीप ऑन एडिंग न्यू आरएनटीपीज एंड मेकिंग न्यू आरएनए, मतलब आपका आरएनए का एक्सटेंशन होती चली जाती है, इलोंगेशन होती चली जाती है। लास्ट स्टेप आपका जो इस प्रोसेस में है वो है टर्मिनेशन। तो एक स्टेप आता है जब आरएनए पॉलीमरेज चलते चलते इस साइड तक पहुंचता है, जब आरएनए पॉलीमरेज इस साइड तक पहुंचता है जिसको आप टर्मिनेटर साइट कहते हैं, टर्मिनेशन साइट कहते हैं, तो उसके बाद जो आरएनए पॉलीमरेज है वो डीएनए से डिटैच हो जाता है, उसकी जो पकड़ है वो खत्म हो जाती है, वो निकल जाता है डीएनए के स्ट्रैंड को छोड़ के बाहर। तो वंस इट लीव्स द डीएनए, इट इज डिटैच फ्रॉम द डीएनए, जो आरएनए ट्रांसक्रिप्ट बना होता है, जो आरएनए बना होता है वो भी फ्री हो जाता है और आपका आरएनए पॉलीमरेज भी फ्री हो जाता है। तो ये इसके साथ ही जो आपकी ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस है वो खत्म हो जाती है, वो मतलब रुक जाती है। तो ये एक स्टॉप सिग्नल है। अगर प्रमोटर एक स्टार्ट सिग्नल है ट्रांसक्रिप्शन का, तो टर्मिनेटर जो है या टर्मिनेशन साइट जो है वो एक स्टॉप सिग्नल है। तो बीच का जो रीजन है, जो कोडिंग रीजन कहलाता है या ओपन रीडिंग फ्रेम कहलाता है, उसकी जो है कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस इस आरएनए पे आ जाती है, जिसको आप प्री एमआरएनए कह सकते हो यूकेरियोट्स के केस में, या प्रोकेरियोट के केस में एमआरएनए कह सकते हो। तो आरएनए आपको पता है क्या डिफरेंस होता है बेसिकली डीएनए से, ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है यूजुअली, और इसमें थायमिन की जगह पे यूरेसिल बेस होती है। दिस वाज ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द 3 स्टेप्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, कैसे आरएनए बनता है फ्रॉम डीएनए ट्रांसक्रिप्ट, डीएनए सीक्वेंस, और the RNA which is formed is complementary to the DNA strand. Thank you so much.